नमस्कार, दिवास न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। जदयू ने अपने पार्टी को मजबूत करने को लेकर बैठक शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है जदयू ने जो है पार्टी विस्तार को लेकर जो है बैठक की जा रही है। देखिए, कार्यकारिणी की बैठक जो है सहरसा के निजी रिसोर्ट में की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तमाम जो तस्वीरें हैं वो निजी रिसोर्ट की दिखा रहे हैं, जहाँ तमाम जो पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उन सभी के साथ बैठक की गई है। पूर्व विधायक, सांसद, प्रतिनिधि, तमाम जो संगठन के प्रभारी है वो भी सहरसा पहुँचे हुए हैं और तमाम पार्टी के पदाधिकारी के साथ जो है बैठक किए जा रहे हैं और तमाम आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पार्टी बता दें कि आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर जो है पार्टी ने बैठक शुरू कर दी है और पार्टी विस्तार संगठन मजबूत को लेकर जो है बैठक किया जा रहा है और तमाम अहम दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। पहले जो संगठन के प्रभारी है और पूर्व विधायक के साथ ही साथ जो जिला प्रवक्ता है सोहन जा, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आप सुने। बैठक तो पार्टी की होती रहती है और यह बैठक और पीछे देखते होंगे कार्यकारिणी की बैठक, जिला में कार्यकारिणी कमेटी है, उसी का बैठक है और संगठन को मजबूत करने के लिए और साथी को जोड़ने के लिए, चूँकि आगे कई तरह की लड़ाई लड़ना है कार्यकर्ता को, तो उसको मजबूती से संगठन को आगे ले जाना है जो हम लोग लड़ाई लड़ सकें, इसी की तैयारी और शुरू हो गई है। प्रत्येक जिला में जाके संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है, उसे भी जदयू का संगठन पूर्व से ही मजबूत है ही, फिर भी नए लोगों को जोड़ने की बात कही गई है और उसमें महिला हो, पुरुष हो, सभी जात के लोग हों, पार्टी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, इसी क्रम में यह बैठक होगी। पार्टी का जो बैठक बुलाई गई है वो इसलिए बुलाया गया है जो हम लोग को संगठन जिला स्तर पर मजबूत करना है। यह प्रदेश से निर्देश हमारे संगठन के प्रभारी रामचंद्र बाबू यहाँ बैठे हुए हैं। जदयू अपना अस्तित्व जमाने के लिए यह बैठक किया गया, हर पंचायत में जदयू का झंडा बुलंद होगा, उसी का ही बैठक है। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं किस पंचायत में कितने जदयू के कार्यकर्ता सक्रिय हैं और कितने को और करना है ताकि सभी पार्टी का सातो विद्या नाश हो जाए और जदयू का झंडा बुलंद हो जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जो जिला प्रवक्ता सोहन झा है, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में जदयू का बोलबाला चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आगामी लोकसभा के चुनाव है उसको लेकर जदयू ने तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी शुरू कर दी है, जहां बैठक करने के बाद जो है कई आवश्यक दिशा निर्देश जो है पार्टी के नेता कार्यकर्ता